दोस्तों, ये जियो का F220 बोर्ड फ़ोन है जिसमें रनिंग नेटवर्क की दिक्कत है, यानी नेटवर्क नहीं आ रहा है इसमें। ये बस ऐसे शो कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे चार्जिंग चलती है उस तरीके से रनिंग करता है नेटवर्क। तो सबसे पहले हमने PCB खोल लिया है, तो ये दिक्कत होती है नेटवर्क IC की, जो WTR IC होती है। तो हम इस पर पेच लगा के IC को रिसोल्व करेंगे। चारों तरफ पेच लगा के IC के राउंड में हिट करेंगे। IC को हिट करने के बाद में राउंड में हिट करना है इसको, जिससे कि उसकी बॉल रिसोल्ड हो जाए। उसके बाद में जो उसके नेटवर्क सेक्शन का एरिया है पूरे पे, हल्का हल्का हिट कर लेंगे। वैसे प्रॉब्लम नेटवर्क IC से ही होती है, जो रनिंग नेटवर्क की होती है। उसके बाद में जो इसकी एंटीना की टिप्स होती है, उसको क्या करना है, चिमटी से थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे। जो उस पर क्या होता है, कई बार कार्बन जम जाता है, इसको साफ़ कर लेंगे ट्वीजर से, क्योंकि जो पिन एंटीना पर टच होगी तभी नेटवर्क शो करता है। उसके बाद में जो बॉडी के अंदर एंटीना लगाता है, उसको भी हम चिमटी से स्क्रैच कर लेते हैं। कई बार कार्बन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, तो उस पर जो कार्बन होता है उसको हटा देंगे। उसके बाद में इसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे, PCB को भी ब्रश से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि एसीटोन से एक तरीके से बोर्ड में जो मैंने प्लग्स लगाया था उसको साफ़ कर देगा। उसके बाद में फ़ोन को हम पैक करके उसको चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सही हुई कि नहीं। तो हमने साफ़ कर लिया। इसके बाद में इसकी जो स्टील का कवर था, उसको लाने के बाद में मोबाइल फ़ोन को हम ऑन करके देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है नेटवर्क वाली, वो सही हुई कि नहीं। तो हमने बैटरी लगाई इसमें। उसके बाद में हम फ़ोन को ऑन करते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन ऑन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सही हुई कि नहीं। तो ये सेट हमारा चालू हो गया है। तो इसमें देखो, नेटवर्क की दिक्कत जो हमारी थी वो सही हो चुकी है, और वोल्टी लिखा भी आ गया है। तो ये इस तरीके से ही हमारा नेटवर्क वाली प्रॉब्लम सही हो गई है, जो कि नेटवर्क IC से दिक्कत थी इसमें।